हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवान बसीन। वेलकम बैक टू दिस चैनल द इन्वेस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट भी बिल्कुल अच्छी रही थी। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रिडिक्ट करा था, मार्केट एग्जैक्टली वैसा वर्क कर रही है। अब मार्केट के अंदर ना हम लोगों ने दो दिन से लगातार हम लोग देख चुके हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ज्यादा बड़ी फॉल नहीं आ रही है। फॉल अगर आती है तो एक रिकवरी भी बहुत अच्छी आ रही है और वो एक मार्केट के लिए अच्छा साइन है। अब कुछ क्रूशियल लेवल्स हैं जिसकी वजह से ना मार्केट एक रेंज बाउंड में है। वो क्रूशियल लेवल्स ब्रेक होंगे तो हम एक हायर टारगेट या फिर एक लोअर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो लेवल्स क्या है वो आज ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को बता भी दिया था। मैं एक बार दोबारा दिखाऊंगा कि आज जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी चीज़ें बताई थी जो फुलफिल हो रही थी उसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब करना क्या है मार्केट पे, कल है थर्सडे की एक्सपायरी, कल वीकली एक्सपायरी है। क्या मार्केट का सिनेरियो रह सकता है, क्या बड़ी फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या फिर मार्केट एक अपमूव दे सकती है या नहीं दे सकती है, सारी बातें करते हैं इस वीडियो के अंदर। और गाइस, एक अनाउंसमेंट और है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, उसके लिए भी वीडियो के अंदर चलते हैं। अभी ये स्टार्ट होगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं। निफ्टी के चार्ट पे क्लियरली ये जो सेटअप आपको दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड यू विद माय टेलीग्राम चैनल। लेट मी जस्ट शो यू। सो यहां पर आप सबसे पहले देखेंगे तो सबसे पहले अराउंड 12:30 के आसपास आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। जो टुडेज की रेंज होगी वो होगी 16,000 to 16,275 की। तो बेसिकली एग्जैक्टली वैसा परफॉर्मेंस कर रहा था। इसके अलावा वी ऑलरेडी टोल्ड यू कि 16,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करने वाला है और इट विल नॉट ब्रेक। आज की एक्सपायरी की हम लोगों ने, मैंने कल की एक्सपायरी की बात करी थी, बट आज भी वो ब्रेक नहीं करा। After that, we've shared you this particular range कि अगर ये level break होता है, because ये support था, break हुआ, it gave a retest, range के अंदर काम कर रहा है। अगर ये level break होता है, then the next target should be this। ये target कैसे आया? According to the open interest data, क्योंकि 16,000 का level break होने की possibility नहीं दिखा रहा था open interest पे। After that, the targets exactly hit और वहाँ से market अच्छा खासा ऊपर गई थी। आप नीचे देख सकते हैं कि हम लोगों ने कुछ लेवल्स और दिए थे कि 16,160 के अगर ऊपर क्लोज नहीं कर पाया तो मार्केट शायद 16,100 तक भी आ सकती है। बट अगर एक अच्छा क्लोज हमें देखने को मिलता है तो डेफिनेटली द मार्केट 16,240 का पहला टारगेट होगा और उसके अलावा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी टारगेट होगा, जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस बताने वाला हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक कल तक के लिए बस हम लोग रुकेंगे। कल एक्सपायरी है तो कल की अगर वॉलेटिलिटी मार्केट झेल लेती है और वो पॉजिटिव क्लोज होती है तो डेफिनेटली हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक की तरफ ज्यादा चलेंगे। बट कल तक के लिए इंतजार करते हैं तो कोई भी स्टॉक्स मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि 3 सेक्टर्स इन माय रडार है, ऑयल, स्टील एंड बैंक। तो इनमें से आप रिडार पर रख सकते हैं। हमें कब कल कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखती है इन्हीं स्टॉक्स में से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन से ले सकते हो, तो इसके लिए एक सेपरेट वॉच लिस्ट क्रिएट करके आप रख सकते हो। अब चलते हैं अपने दोबारा सेटअप पे। तो यहां पर एग्जैक्टली जो उसकी क्लोजिंग है 16,167 की है। अब 16,167 की क्लोजिंग है बट ज्यादा बेटर नहीं है। आप देख सकते हैं एक डोजी है ना, हैमर है ना, आफ्टर दैट एक फॉल है। तो मैं अपने एक वॉइस नोट्स पे, मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे लास्ट पे कहा था कि मार्केट स्टेबल कर रही है, 16,000 का लेवल शायद ब्रेक ना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर लेवल्स के पुट्स को शॉर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पुट में लोग पोजीशन नहीं बना रहे बट कॉल को अनवाइंडिंग से एग्जिट कर रहे हैं। यस, कॉल्स अनवाइंड हो रही है और वो अच्छी चीज है। बट एक बुरी चीज क्या है कि पुट राइटर्स भी एक्टिव नहीं हो रहे, वो एक नेगेटिव चीज है और एग्जैक्टली वो एंड तक हमें देखने को नहीं। अब यहां पर पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी हम लोगों के अंदर ये है कि मार्केट अब एक बहुत क्रूशियल लेवल पे है। डेफिनेटली गाइस, मार्केट एक ऐसे क्रूशियल लेवल पे है जहां से एक बड़ा बाउंस आ सकता है या फिर यहां से एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। अब 16,000 का लेवल तो डेफिनेटली एक बार ये छू चुका है, टेस्ट कर चुका है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा, वी डोंट नो। आज के मार्केट पे वो सस्टेन कर गया था बट कल एक्सपायरी है, कल वॉलेटिलिटी है, क्या सस्टेन कर पाएगा, वी कांट से फॉर श्योर। उसका ओपन इंटरेस्ट का डाटा बता सकता है वो जब मार्केट कल सुबह ओपन होगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये एक रेंज है एग्जैक्टली 16,160 के, अगर इसके पास कल ओपन होता है एग्जैक्टली इसके पास तो हमें विद इन कुछ मिनट्स पता चल जाएगा कैसे। अगर कल ये इसके ऊपर जाता है देन द नेक्स्ट टारगेट शुड बी दिस, अगर ये इस जोन के नीचे जाता है देन द नेक्स्ट टारगेट शुड बी दिस और ये लेवल भी ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर ये लेवल कल ब्रेक होता है
तो ये लेवल भी आएगा और भी नीचे जा सकता है। बट अगर ये लेवल ब्रेक होके ऊपर जाता है देन द नेक्स्ट टारगेट शुड बी दिस, जो कि 16,400 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट बुलिश फेज में नहीं है बट मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बायर्स एंटर कर रहे हैं मार्केट के अंदर और वो एक अच्छी चीज है। अब बायर्स अगर एंटर कर रहे हैं मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली हम लोग मान के चल सकते हैं कि अगर एक फॉल आती है तो दे विल ट्राई टू पुश कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, और अगर वो होता है तो डेफिनेटली जो सेक्टर्स मैंने आपको रिकमेंड करे हैं एग्जैक्टली उन पे बहुत बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, सो निफ्टी का सिनेरियो ये हो गया। एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी स्टडी कर लेते हैं, बट मैं दोबारा कह रहा हूँ 16,170 एक क्रूशियल लेवल है। यहां से बड़ा फॉल भी आ सकता है, बड़ी मूव भी आ सकती है कल के सेशन पे। ठीक है, तो जब तक ये इस रेंज के अंदर है, जब तक ये इस रेंज के अंदर है तब तक ट्रेडिंग मत करिएगा। अगर इस लेवल से नीचे जाता है तो शॉर्ट करेंगे, अगर इसके ऊपर जाता है तो विल ट्राई गो फॉर अ लॉन्ग। ठीक है, अदरवाइज इन बिटवीन अगर कुछ सिनेरियो चेंज होता है कि हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं और पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं तब हम लोग शॉर्ट की पोजीशंस यहीं पर इन बिटवीन भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। कंक्लूजन ये है अब इस चीज का कि कल एक्टिव रहना टेलीग्राम चैनल पे। मैं जैसी जो भी नोटिफिकेशंस आपको दूं, जो भी मैं एनालिसिस आपके साथ शेयर करूं एग्जैक्टली उसी के थ्रू परफॉर्मेंस करना और वही डाटा को देखकर अपनी एनालिसिस को करना। ठीक है, बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट के डाटा पे। सो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डाटा हम लोगों ने ओपन कर लिया। यहाँ पे मेजर चेंज है निफ्टी के अंदर अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी। निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि 16,000 के लेवल से उसने रिजेक्शन लेकर ऊपर गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन, और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर गई थी वहां से। बट तब भी पुट राइटर्स अनवाइंड कर गए, कॉल राइटर्स ने हेवी पोजिशंस बना लिया है। ये सिर्फ निफ्टी की बात हो रही है। अब यहां पर आप चेक करेंगे कि 16,200, 300, 500 तक हम लोग देख रहे हैं कि हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव हैं और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस लास्ट 15 मिनट पे एग्जिट कर ली। बिकॉज अगर मैं 3:15 का डाटा देखता हूँ ओपन इंटरेस्ट का जब मैं स्टडी कर रहा था तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं था। विद इन 15-20 मिनट्स लास्ट मिनट पे इन लोगों ने अपनी पुट राइटर्स की पोजीशन अनवाइंड करी है और कॉल राइटर्स ने हेवी पोजीशन बनाई है। दैट मीन्स कि पुट राइटर्स जितने जो 16,000 से 16,200 तक मार्केट गई थी जो बुलिश फेस था वहां पर उन्होंने कैप्चर कर लिया और एग्जिट कर लिया। कोई भी बायर ओवरनाइट पोजीशन कैरी करके नहीं चल रहा है, सब लोग सेलिंग की पोजीशन कैरी करके चल रहे हैं। अब इसका एक तरीका बताऊं यहां पे करना क्या, ये डाटा जो है ना, ये डाटा एक्चुअल में जब मार्केट क्लोज होने के बाद जो हम डाटा देखते हैं और जो मार्केट ओपन होने के बाद देखते हैं प्री मार्केट के बीच का जो डाटा होता है वो बहुत ही अलग होता है। तो वी डोंट वांट टू ट्रस्ट दिस, बट हम इसे ऑब्जर्व करके अपने माइंड में लेकर जरूर चल सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? सो बैंक निफ्टी में अगर आप चेक करोगे तो सिनेरियो ठीक है, बढ़िया सिनेरियो है। यहां पर भी एग्जैक्टली इस लेवल का फॉल करा, ये जोन इसने ऊपर की तरफ गया, ब्रेक डाउन करा, यही हमारा टारगेट था एंड एग्जैक्टली यही टारगेट आया था। परसों की वीडियो पे भी एग्जैक्टली यही टारगेट बताया था जो कि आज आया जाके एग्जैक्टली यहाँ से एक अच्छी ऐसी हम लोगों ने अपमूव देखी है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 80 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो एक्ट कर सकता है एज अ रेजिस्टेंस। सो आई एम एक्चुअली नॉट ट्रस्टिंग बैंक निफ्टी, बट बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू निफ्टी बुलिश है। बैंक निफ्टी बुलिश है अकॉर्डिंग टू निफ्टी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में बताऊं क्या हो रही है, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि बैंक निफ्टी में फॉल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। अब आई नो मेरे पास मल्टीपल टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, सर आज के दिन भी फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, परसों के दिन भी फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, क्यों हो रहा है ये? गाइस आपको ये चीज समझनी है कि अगर निफ्टी अपने रेजिस्टेंस पे और बैंक निफ्टी अपना रेजिस्टेंस ब्रेक कर रही है और निफ्टी का वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, दैट मींस कि वो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस भी वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि वो फॉल कर सकता है। एग्जैक्टली वही सिनेरियो था कि 17,160 पे वहां पर वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था, वहां पर फॉल आना हमें पक्की बात तय था और यहां पर भी ब्रेकआउट दिया था तो यहां पर भी नीचे आना तय था। तो ये प्रॉब्लम्स, ये फैक्टर्स आपको सब इन माइंड रखने पड़ेंगे जब आप मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, एक बेसिस पे हम अपना ट्रेड नहीं ले सकते। चलिए एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट का डाटा स्टडी करते हैं। बैंक निफ्टी तो हमें ऑलरेडी स्ट्रांग लग रहा है बट हमें ट्रस्ट वर्डी नहीं लग रहा बिकॉज ऑफ द निफ्टी के अकॉर्डिंग वो चल रहा है। यहां पर बिल्कुल उल्टा है निफ्टी के। निफ्टी पे पुट राइटर्स एग्जिट कर गए थे और कॉल राइटर्स एक्सट्रीम लेवल पे थे। यहां पर कॉल राइटर्स ही नहीं है और पुट राइटर्स हैवी है,
यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हैवी पुट राइटर्स एट 34,500, 34,600, इवन 33,500 एंड 34,000. हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव एट 35,000. 35,000 पे हैवी कॉल राइटर्स एक्टिव है. तो राइट नाउ 34,700 चल रहा है. और बैंक निफ्टी में आई एम नॉट ट्रेडिंग राइट अवे, क्योंकि मुझे निफ्टी पे जो मेजर रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, मैं चाहता हूं वो लेवल क्रॉस हो तो वी कैन एंटर फ्रीली इन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में ज्यादा फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू निफ्टी. तो लेट्स फोकस ऑन निफ्टी फॉर टुमारो. बैंक निफ्टी के लिए अलग अपॉर्चुनिटीज लेकर चलेंगे. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं. एफआईआर का डेटा अगर नहीं आया, यस एफआईआर का डेटा अभी तक नहीं आया है आज का, तो लेट्स इग्नोर दैट. बट अब आते हैं हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट पे. सो गाइस, ये स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि आप लोग जो बहुत टाइम से, एक डेढ़ साल से जो आप मेरे से चाह रहे थे, मैं एग्जैक्टली वो फीचर करके आ चुका हूँ. प्रेजेंटिंग टू यू आर कोर्स अल्फा ट्रेडर प्रोग्राम. यस गाइस, हम लोगों ने अल्फा ट्रेडर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है. आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. एंड इस पर्टिकुलर कोर्स के थ्रू वी गोना टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. एवरीथिंग विल बी कवर. और ये कोर्स एग्जैक्टली डिफरेंट होने वाला है सारे कोर्सेस से, अगर आप लोगों ने कभी लिया भी होगा. क्यों डिफरेंट है? बिकॉज इस कोर्स के अंदर टेक्निकल एनालिसिस तो है, क्योंकि हम उसी का कोर्स पढ़ा रहे हैं, बट हर टेक्निकल एनालिसिस, हर मॉड्यूल के अंदर हर पॉइंट की साइकोलॉजी आपको एक्सप्लेन करी गई है. इफ यू डोंट नो कि साइकोलॉजी का रोल क्या है मार्केट के अंदर, कौन सी टाइप्स की साइकोलॉजी होती है, कितनी आपको पता है और कितनी आपको नहीं पता, तो दिस सैटरडे I am conducting a webinar on the trading psychology, human and security psychology. You can definitely join that. आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे. आप सीधा वर्कशॉप्स पे क्लिक करेंगे एंड वर्कशॉप्स पे आपको डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन नाउ का ऑप्शन दिख जाएगा. इट्स अ टू डेज लाइव इवेंट, सैटरडे एंड संडे, दैट वी आर कंडक्टिंग. फर्स्ट इज फ्लैग एंड पोल मास्टरी एंड अ ह्यूमन एंड सिक्योरिटी साइकोलॉजी. आई पर्सनली थिंक यू शुड अटेंड बोथ दिस वर्कशॉप और आपको पता चल जाएगा द वे आई टीच और आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम और लेट मी शो यू कि वट आई एम गिविंग यू. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ऑलरेडी फीचर्ड इन आउटलुक मनी, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बी एस डब्ल्यू डिस्ट्रप्ट, द प्रेस फ्री जर्नल इन इंडिया टुडे. एंड गाइस, लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ पेड फीचर्ड इन, इट्स ऑल अबाउट द रिस्पेक्ट दैट आई एम गिविंग और जो मेरे को मिल रही है. ये जितने भी अगर आप लोग आर्टिकल्स देखोगे, इस पे सिर्फ मेरा नाम होगा, मेरी कहीं पर भी तारीफ आपको नहीं देखने को मिलेगी. आई नो आप लोगों ने बहुत सारे स्टॉक ट्रेडर्स, या मैं लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, यूट्यूबर्स और जो भी कोर्सेज सेल करते हैं, वो लोग ऑलरेडी बहुत जगह फीचर्ड इन हो चुके हैं. और उस फीचर्ड इन में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर उनकी तारीफ होती है कि उन्होंने ये अचीव करा, दिस एंड दैट. बट आप नीचे जाके अगर देखोगे ना, आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि ये ऑथर ने नहीं लिखा, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है. तो ये जिन्होंने भी हमें भेजा है उन्होंने ही सिर्फ लिखा है. बट आपको मेरे यहाँ पर कहीं पर भी दिखेगा, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूँ. आप एक एक आर्टिकल को जाके क्लिक करिएगा मेरी वेबसाइट पे, कोर्सेज पे, आपको दिखेगा कि मैंने वहाँ पर साइकोलॉजी के ऊपर बात करी है, मैंने वहाँ पर बात करी है क्रिप्टो के बिल के ऊपर, मैंने बात करी है कि क्यों हमारी मार्केट अगर गिर रही है, तो हमारा प्लान ये था कि हम क्रिप्टो मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट करेंगे, बट अगर वो भी गिर रही है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या बचा गोल्ड के अलावा. तो गाइस, आई एम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ऑल ऑफ दीज जर्नलिस्ट और वो मेरे को सबसे ज़्यादा हेल्प मिल रही है. तो बहुत ज्यादा बात हो गई. लेट्स कंटिन्यू विद द मॉड्यूल्स. वी हैव टोटल 6 मॉड्यूल्स. फर्स्ट मॉड्यूल इज द बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, दैट आई डोंट हैव टू टेल यू व्हाट आर स्टॉक एक्सचेंज. दिस इज द रिकॉर्डेड 4 क्लासेस दैट आई एम गोना गिव यू. आफ्टर दैट देयर इज अ बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, हाउ टू यूज फर्स्ट व्हाट आर नेकेड चार्ट्स. व्हाट आर नेकेड चार्ट्स, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, विदाउट इंडिकेटर्स, विदाउट चार्ट पैटर्न्स, जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कैंडल्स. कैंडल की एक एक मूवमेंट को वी हैव टू अंडरस्टैंड ड्यू टू द साइकोलॉजी, मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, एक एक कैंडल जो डिराइव करती है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के अंदर, उसका रीजन क्या है करने का और उसे हम क्या अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं. अगर हमें कोई भी इंडिकेटर नहीं आता या हमें कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं आता, तो भी क्या हम लोग ट्रेड ले सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी सिंगल ट्रेंड लाइन एज वेल, तो ये चीज आपको बताई जाएगी. और ये 2-3 क्लास क्लब करके हम लोगों ने सिर्फ ये चीज आप लोगों के लिए बना रखी है. As you can read everything, मैं ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आई एम नॉट गोना रीड everything. जो मेन पॉइंट्स है दैट आई एम गोना कवर. सेकंड इज द ट्रेडिंग जर्नल. ट्रेडिंग जर्नल हमने आप लोगों के लिए एक ऐसा एडवांस ट्रेडिंग जर्नल बनाया जो एक वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए भी आपको हेल्प करेगा. यस गाइस, आप हमारे ट्रेडिंग जर्नल पे वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं और लाइव मार्केट का डाटा आपको प्रोवाइड होगा. आपने कोई भी स्टॉक बाय करा, आपने वहां पर लिखना है किस प्राइस पे बाय करा, वो लिखना है.
तो जब भी मार्केट ओपन होगी और उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का आपके स्टॉक का प्राइस चेंज होगा लाइव मार्केट पे, तो आपके ट्रेडिंग जर्नल में भी वो चेंज होगा। आपको एक स्पेसिफाइड अमाउंट दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो, और जब भी एक सेल आपका सजेस्ट करेगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली आपको ईमेल में वो अलर्ट आएगा। गाइस, इट्स एन एडवांस ट्रेडिंग जर्नल जो आपको पूरे नेट पे नहीं मिलने वाला, जो हम लोगों ने आपके लिए डेवलप करा। इसके अलावा नीचे आते हैं, द थर्ड मॉड्यूल इज बियॉन्ड टेक्निकल एनालिसिस, इट्स ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग प्लान्स। इसके अलावा जो मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, यूएस फेड ने कुछ अनाउंस कर दिया, हमारी आरबीआई ने कुछ अनाउंस कर दिया, इन्फ्लेशन का रिजल्ट आ रहा है या वॉर हो रही है, तो कैसे मार्केट पर रिएक्ट करना है, एवरीथिंग। आफ्टर दैट इंटरमीडिएट टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर हम कवर करवाने वाले हैं योर फ्यूचर स्टाइल, आपके लिए कौन सा स्टाइल सूटेबल है, वेदर यू कैन ट्रेड ऑन परफेक्टली ऑन कैश सेगमेंट, डेरिवेटिव सेगमेंट, अगर आप बीटीएसटी में ज़्यादा गुड अच्छे हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा अच्छे हो, या फिर आप इंट्राडे में, और आपको उसके लिए पूरा तैयार करा जाएगा थ्रू प्राइवेट जूम मीटिंग्स, थ्रू 1-on-1 कॉल सेशन। आप ये पूरी चीज़ें और रीड करते हैं और कर सकते हैं ऑन आर फिफ्थ मॉड्यूल, इट्स ऑल अबाउट एडवांस टेक्निकल एनालिसिस, ऑल चार्ट पैटर्न्स, हाउ टू थिंक लाइक बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, इट्स अ टू डेज क्लास जो हम आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं, ऑल चार्ट पैटर्न्स, ऑल थ्योरीज एंड ऑल एडवांस चार्ट पैटर्न्स, हार्मोनिक पैटर्न्स। इसके अलावा आर एक्स्ट्रा बेनिफिशियल टॉपिक, इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर एंड ऑप्शंस, फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ यू कैन एंटर ऑन फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ यू कैन स्टार्ट योर ट्रेडिंग थ्रू क्रिप्टो मार्केट, सारी चीजें होने वाली हैं। अब आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट ऑल्सो वी आर प्रोवाइडिंग यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रैटेजी सेगमेंट, वे वन आई कवर द स्ट्रैटेजी कॉल्ड बुल्स आई स्ट्रैटेजी, इंट्राडे सेटअप के लिए होती है ये, स्टॉक्स एंड इंडेक्सेस के लिए, दैट आई एम गोना टीच यू। आफ्टर दैट, अब बेसिकली आप, मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, दैट यू कैन मेक योर ओन स्ट्रैटेजीज, अगर कोई और स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है तो आपको पता हो कि आप कैसे दूसरी स्ट्रैटेजी भी बना सकते हो। सो वी गोना लर्न, हम साथ में मिलकर सीखेंगे कि कैसे हम दूसरी स्ट्रैटेजीज भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर वो वर्क नहीं करती है तो उसको कैसे और ठीक कर सकते हैं, वो तब भी वर्क नहीं करती है तो कैसे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी पे जा सकते हैं। तो ये पूरी डेवलपमेंट होने वाली है, इसमें एक हफ्ते की क्लास हमारी होगी। After that, special bonuses that we are providing, और इस पर एक ऐसा है जो मेरे लिए भी बेनिफिट है और आपके लिए भी, that is the benefit number two, one deserving student gets a job opportunity in the Investrology, in our company. अब job opportunity जो मेरे basis पे है, that is the seat besides me. Yes guys, आप मेरे साथ बैठेंगे, आप अपने घर पे भी work from home कर सकते हैं, बट एज अ मेंटोर मैं आपको उस तरीके से टीच करने वाला हूँ, नॉट एज कि मेरा कोर्स है, मेरे को आपको पढ़ाना है और आप जा सकते हो, मुझे इस तरीके से आपको टीच करना है कि मैं एज अ मेंटोर आपको सेलेक्ट कर सकूँ और आप मेरे साथ नेक्स्ट बैच पढ़ा सको। यस गाइज, मैं ऐसा टीच कर रहा हूँ कि आप ऐसा ट्रेनर भी बनना चाहो तो ट्रेनर भी बन सकते हो, एज अ यूट्यूबर बनना चाहो तो एज अ यूट्यूबर बन सकते हो, और वेरियस अदर सोर्स ऑफ इनकम अर्न कर सकते हो थ्रू स्टॉक मार्केट रादर देन जस्ट एंटरिंग इन द ट्रेड्स। Yes guys, everything is there in our particular course, जो actual में आपको market के अंदर या market के through various other segments के through पैसा कमा के दे सकती है, plus आप job opportunity, एक worthy student होगा जिसे हम रखेंगे, and there gonna be a various number of tests that you have to do, after that selecting that test, जो भी pass करेगा उसमें से मैं select करूँगा एक worthy student जो as a mentor मेरे साथ पढ़ाएगा, you can come into my office as well as आप पढ़ा सकते हो, otherwise आप work from home के through भी पढ़ा सकते हो। अदरवाइज अगर आप वो इंटरेस्टेड नहीं हो, बट अगर आप एक ऐसा रिसर्च रिपोर्ट हमारे लिए बनाना चाहते हो और ज्यादा एडवांस एनालिसिस करना चाहते हो तो भी आप वेलकम होंगे। एंड गाइस, ये जॉब अपॉर्चुनिटी है तो इट्स नॉट फ्री, इट्स पेड, दैट मींस जो भी आप पे करोगे उतना आपके लिए महीने भर में रिकवर हो जाएगा। सो व्हाई आर वेटिंग फॉर गाइस, डू चेकआउट आवर वेबसाइट, आप वेबसाइट हमारी चेकआउट कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर, एंड आफ्टर दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड डू साइन अप। अब सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, व्हाट इज द प्राइस, हाउ कैन वी पे, कितना अमाउंट पे करना है, दैट इज 11,999 रुपीज फॉर अ 3 months कोर्स प्लस अ 1 year लाइव असिस्टेंस। 1 year तो हम ऐसे ही लिखते हैं बट इट्स एक्चुअली अ लाइफ टाइम ईयर असिस्टेंस, प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट जो आप लोगों के लिए, लर्न नाउ पे लेटर। यस गाइस, नाउ यू कैन ऑप्ट
आर कोर्स थ्रू ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई के थ्रू आप ऑप्ट कर सकते हैं। राइट नाउ हमारे जो बैंकिंग पार्टनर्स है एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक एंड आईसीआईसीआई, यू कैन ऑप्ट फॉर 3, 6, 9 मंथ्स ईएमआई। और अगर आप 9 मंथ्स का ईएमआई लेते हैं तो आप सिर्फ 1300 रुपीज या 1200 रुपीज के अंदर अंदर ही आप यहाँ पे हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। यस गाइस, ओनली एट 1200 to 1300 रुपीज पर मंथ आप हमारा कोर्स एनरोल कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट डेफिनेटली अगर आप वर्दी स्टूडेंट होते हैं तो विद इन 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स you can fully paid us and you can enroll for the job as well. So guys, this is all that we are providing you. Please do check. If you have any queries, do let us know. Otherwise, main full video aap logo ke liye already banane wala hu for the upcoming course. Ye start hone wala 1st of June ko, live sessions honge through Zoom meeting. Everything will be there. You can ask away. थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी एंड कुछ आप लोग सीख पा रहे होंगे जो भी डाटाज एंड एवरी स्ट्रैटेजीज दैट आई एम गोना शेयर विद यू। बाय बाय।